हेलो एवरीवन, आज हम एडिशन चैप्टर के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे, जिसके हमने 10 एमसीक्यूज पिछली वीडियो में अपलोड किए थे और आज हम नेक्स्ट 10 एमसीक्यूज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, रोहन लीव्स फ्रॉम दिल्ली एंड गोइस टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स हाउस इन चेन्नई, देन ही मूव्स टू मुंबई टू विजिट फिल्म सिटी एंड फाइनली कम्स बैक टू दिल्ली, हाउ डिस्टेंस डज रोहन कवर। आपको ये सारे स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, क्यों? क्योंकि ये देखो एमसीक्यूज में आपको थोड़ा टाइम देते हैं, तो आपको थोड़े टाइम में ही इस सम को निकालना है, स्टेटमेंट को बस स्कैन करके देखना होता है। तो हमें क्या करना है, इन सारे को जो इन्होंने नंबर दिए हैं ना, इनको बस प्लस करना है, प्लस करके जो इनका आंसर आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए हमारा आंसर 4802 आया है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देते हैं, द मिसिंग वैल्यू इन द गिवन सम इज डैश, इस बॉक्स में क्या मिस है? 8+4 हो जाएगा 12, है ना, 12 ही होगा ना, तो 1 कैरी आ जाएगा। 6+7, 7 में से कितने प्लस करें तो आ जाएगा 14, 14 आएगा क्योंकि 1 तो यहाँ पर कैरी हो गया, 2+1 तो 3 होते हैं, 1 कैरी हो गया तो ये 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा आंसर 7, क्योंकि 7+6 हो जाएंगे 13, 13 में से 1 प्लस किया तो 14 आ जाएंगे, 1 ऊपर कैरी, तो 7 आंसर हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मच डू यू ऐड टू सेकंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर टू गेट एट लीस्ट 5 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर तो 4 डिजिट का कौन सा होता है, 9999 होता है ना, ये 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट, छोटा लार्जेस्ट कौन सा होगा, तो हम क्या करेंगे इससे 1 नंबर माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड लार्जेस्ट, यहाँ पर 9 की जगह लास्ट पर हम 8 लगा देंगे। तो हमें क्या करना है, इन्होंने बताया कि हम सेकंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर में से कितने प्लस करेंगे जो कि हमारे छोटे 5 डिजिट नंबर का आंसर आएगा। सबसे छोटा 5 नंबर डिजिट का कौन सा होता है, 1, 1, 2, 3, 4, 5, ये देखिए 10,000 हमारा 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट हो गए ना, इसमें से हम कितने प्लस करेंगे 4 सेकंड लार्जेस्ट में से हम कितने प्लस करेंगे कि हमारा आंसर इतना आएगा। तो देखो यहाँ पर 2 प्लस करेंगे ना, तो हमारा आंसर इतना आ जाएगा, क्योंकि 8+2 10 हो गए हैं ना, तो पीछे 0 आ जाती है, 1 कैरी आ जाएगा, तो 2 वन्स अवर करेक्ट आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 14, राइट द वैल्यू ऑफ स्टार एंड ये जो स्माइली दी हुई है, इफ 190+78, इन दोनों को प्लस करके कितना आंसर आता है, 268 इन दोनों को प्लस करके आता है, तो 200 में से हम कितने प्लस करेंगे, इसका आंसर 268 आएगा, 200 में से अगर हम 68 प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ना 268, तो हमारा ऑप्शन ये करेक्ट है, स्टार की जगह पर 68 और स्माइली की जगह पर 268। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द सम ऑफ 385 एंड 150 एंड राउंड ऑफ द सम टू द नियरेस्ट 100। हमें क्या करना है, इन दोनों को पहले प्लस करना है। ओके, प्लस, इनको प्लस करने के बाद हमारा आंसर आता है 535। अब इन्होंने कहा कि 100 की प्लेस पर वैल्यू की जगह पर कौन सा नंबर है, 100 की जगह पर 1 स्टैंड 100 5 है ना, 500 की प्लेस वैल्यू पर है, तो हमारा 500 हमारा जो है करेक्ट आंसर है। इन्होंने बस ये बताया था कि इनको प्लस करके 100 की प्लेस वैल्यू पर कौन सा नंबर आएगा, 5। अब देखो यहाँ पर लिखा है वर्द परचेस्ड अ काइट हैविंग हैड अ ग्रेटेस्ट सम। अब देखो इसमें से उसने बड़े जो काइट है ना, महंगे महंगे रेट में लगाई है, तो हमें ये पता लगाना है कि उसने किस काइट पर ज़्यादा रेट लगाया है, ठीक है, ज़्यादा परचेज किया है। तो सबसे पहले हमने इसको सम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखो इनको प्लस करके इनका आंसर आपके सामने है, तो सबसे ज़्यादा परचेज उसने किस काइट पर किया है, के काइट पर, यहाँ पर इन्होंने नाम दिए ना KTP, तो के काइट जो है वो उस पर उसने सबसे ज़्यादा परचेज किया, तो के ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब ये देखो यहाँ पर इन्होंने दिया है कि 17 नंबर क्वेश्चन और 18 नंबर क्वेश्चन इस सम से रिलेटेड ही है, तो ये इन्होंने क्या दिया है, पी इज़ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। मैंने आपको ये पिछली वीडियो में नंबर्स चैप्टर में भी कराया था, वैसा ही है, तो इसमें क्या पता लगाना है, पी इज़ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, पी जो है वो सबसे बड़ा है और क्यू सबसे छोटा है 4 डिजिट का, इनमें से पी सबसे बड़ा है। पी हम कैसे पता लगाएंगे, देखो हमें क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर लेना है इन नंबर्स में से, तो सबसे बड़ा नंबर हमारा 7 है,
सेवन से छोटा सिक्स है, सिक्स से छोटा फाइव, फाइव से छोटा फोर, लेकिन ओनली फोर डिजिट नंबर ही पता लगाने के लिए किए हैं। तो क्यू को सबसे छोटे, क्यू को छोटे फोर डिजिट नंबर से, छोटे को हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले छोटा नंबर लेंगे, छोटा नंबर थ्री है ना, थ्री, थ्री से बड़ा हो गया फोर, फिर फाइव, फिर सिक्स, फिर इनको ऐड कर देना है, पी और क्यू को ऐड कर देना है, सिक्स प्लस फोर टेन, फाइव फाइव, फाइव प्लस फाइव टेन, और यहाँ पर इलेवन आ गया, यहाँ पर भी इलेवन, यहाँ पर भी इलेवन। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन इज अवर करेक्ट। अब 18 नंबर क्वेश्चन है ना, वो भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड ही है। ये देखिए, सम ऑफ प्लेस वैल्यू फोर इन पी एंड क्यू इज डैश, सम पता लगाना है कि प्लेस वैल्यू की फोर और पी, फोर की वैल्यू जो है पी एंड क्यू में कितनी थी। ये देखिए, इसमें फोर की प्लेस वैल्यू है वंस पर और इस पर है हंड्रेड्स पर, फोर हंड्रेड प्लस फोर, यहाँ पर आ जाएगा फोर हंड्रेड है ना, फोर हंड्रेड, क्योंकि फोर फोर हंड्रेड की प्लेस पर जगह पर है ना, फोर वंस, फोर वंस के साथ कोई जरूरत नहीं लगती, बस इसको एज इट इज़ वैसे प्लस कर देना है, आंसर आ जाएगा फोर हंड्रेड फोर, फोर हंड्रेड फोर टेंस। ओके, तो फोर हंड्रेड फोर टेंस जो है हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 19, अ मिल्क टैंकर सप्लाइड 4,970 लीटर्स ऑफ मिल्क टू डिपोर्ट ए, 2,876 लीटर्स ऑफ मिल्क टू डिपोर्ट बी, एंड रिमेनिंग 1,500 लीटर्स ऑफ मिल्क टू डिपोर्ट सी, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क वाज देयर इन द टैंकर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बस ये नंबर्स दिए हैं, इनको प्लस कर देना है, प्लस करके जो आंसर आएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए, इनको प्लस करके हमारा आंसर आया 9,346, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब देखो 20 नंबर क्वेश्चन, इफ प्लेस वैल्यूज ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ 8,359 आर एडेड देन रिजल्टिंग नंबर इज डैश। इन्होंने कहा अगर इन सभी के प्लेस वैल्यूज को, नंबर्स को ऐड किया जाए तो आंसर कितना आएगा। ये देखो, अगर हम देखें कि 9 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 9 वंस पर है, 9 की हम 9 वंस पर है, 9 के साथ कोई जरूरत नहीं लगती, तो हम पहले यहाँ से शुरू कर लेते हैं, 8,000 है, 8,000 की बजाय 3 जरूर लगती है ना, तो ये बन जाएगा 8,000 के फॉर्म में 300, 300, और ये 5 टेंस पर है, 5 के पीछे 10, 9 के पीछे कोई जीरो नहीं। इन्होंने कहा कि इन सभी की प्लेस वैल्यूज को ऐड करके हमारा आंसर कितना आएगा, 9 यहाँ पर आ गया, 5 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 8, ओके, और सॉरी 8,359 इज अवर करेक्ट आंसर। तो ये देखो, अगर आपको ऐसा कोई समझ जाए ना कि इफ़ प्लेस वैल्यू फॉल द डिजिट्स, तो आपको क्या करना है, जो स्टेटमेंट में नंबर दिया है ना वही आपको आंसर लिख देना है। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है, हमारा आज का टॉपिक है, वो भी यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे, जो कि शायद सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन जैसे है, सब्ट्रैक्शन चैप्टर है उसका नाम। तो आपको आपको क्या करना है, जो PDF है ना इस पेज का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। जब मैं आपको सम समझा रहा होता हूँ ना, आपको ओनली सम पर ध्यान रखना चाहिए, साथ साथ आपको ताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका आपको मैं इसका जो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका PDF का लिंक भी डाल देता हूँ, और साथ ही साथ इसकी पिछली वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।